कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि हमारी हीटर से लड़ाई हो रही थी, मैं क्यों नहीं रखने दे रही थी। ये देखें, आवाज़ सुनो नहीं गैस की, फजर का टाइम है और ये बाहर तक आ रही है। इस टाइम मैं सिर्फ ये टाइम का वेट करती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ। फजर की अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी ताकि तब तक मेरा रूम भी गर्म हो जाए और साथ में नमाज भी पढ़ी जाए। इसीलिए बस मैं जागती हूँ, इस लालच में मैं जागती हूँ बस। और नमाज़ पढ़ के अब मैं सोऊंगी अच्छा सा रूम गर्म करके। अब बंद कर रही हूँ मैं, नमाज़ पढ़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैरी एडी लाइफस्टाइल। कैसे आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक है, A1 है, बहुत मज़े में है। बहुत शुक्र अल्लाह का, एक नई सुबह मिली। और आज का सुबह का दिन जो था ना, मेरा बहुत बहुत बिजी। जल्दी जल्दी से बस मैं नाश्ता किया, अदनान थे नहीं, मुझे जहन में नहीं आया कि वो कहाँ गए हैं। मैं मम्मा से पूछ रही, वो काम गए हुए थे और एक जाना था एक जगह पे जनाजे पे, तो वो पापा के साथ कह रहे थे वहाँ से होकर मैं फिर ही आऊँगा घर। लेकिन खैर अभी तक तो नहीं आए। उनके आने से पहले पहले मैंने क्या किया, सारे घर के कपड़े धो लिए अच्छे से, नीचे से मम्मा के अपने सारे धो लिए कि मुझे आके टेंशन ना हो, कोई गंदा कपड़ा नहीं छोड़ के जाना, और पीछे से मम्मा वगैरह को भी टेंशन ना हो, जो थोड़े बहुत होंगे फिर वो काम वाली से करवा लेंगे, क्योंकि मम्मा ऊपर आ नहीं सकती स्टेयर से और मशीन नहीं फिर उनसे चलेगी, वो कह रही थी। तो मैंने इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज लॉन्ड्री डे कंप्लीट किया और अपनी पैकिंग सारी की, अल्हम्दुलिल्लाह सारी डन किया पैकिंग मैंने अपनी। और साथ अपनी मैंने हेल्पर बुलाई हुई थी, बाजी बड़ी अच्छी हैं, रज़िया बाजी, अल्लाह पाक उनको हिम्मत ताकत दे। उन्होंने मेरे साथ मिलके जो जो काम कराया वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मुझे एकदम अचानक से याद आया कि मैंने तो आज व्लॉग बनाया ही नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी फाइनल 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 डन हो गई है। ये देखे जी, ये मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस करके इस तरह रख लिया कि वहाँ पर मुझे टेंशन ना हो किसी चीज़ की, कि प्रेस भी नहीं मैं साथ ले जा रही। इसलिए मैंने अदनान की शलवार की मुझे शर्ट, ये इनके साथ ट्राउज़र्स अपर्स वगैरह, ये साइड मैंने अदनान की है रेडी, ये साइड मैंने अपनी कर ली है। और जी ये है मेरा बाया जो मैंने पहन कर जाना है, और ये पीछे जो वाइट शर्ट है ये मैं नीचे पहन के जाऊंगी। अदनान ये शलवार कमीज पहन के जाएंगे क्योंकि एहराम जब वो एयरपोर्ट जब वो अनाउंसमेंट करेंगे फ़्लाइट से पहले, फिर वो ये उतार देंगे एहराम पहन लेंगे। ये मैंने बाया खुद स्टिच कराया था, मैंने आप लोग को लास्ट में बताया था ना, लास्ट ब्लॉग में डिटेल में। तो ये बटन्स रह गए थे, ये मैं कल लेकर आई थी स्पेशल क्रोशिए के बने हुए, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो ये मैंने लगाए हैं इस पर। और बाकी एक हमने हैंड कैरी बनाई है, इतनी सारी फिर हमसे कैरी नहीं होंगी। इसमें हमने अदनान का मैंने एहराम रखा है, इनकी चप्पल रखी है जो उनको एयरपोर्ट पे ज़रूरत की चीज़ें होंगी बस ये रखी है। ये फिर जब उम्रे पे जाना होगा ये वाला बैग पकड़ूंगी, अभी मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है। और एक ये छोटा एक लगेज बनाया है, इसमें मैंने अपना क्विल्ट रखा है, साथ में एक बेडशीट रखी है। कभी अब पता नहीं ट्रैवल जर्नी किस टाइप का होटल दिया, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। साथ में कैटल रख लिए चाय वगैरह बनाने के लिए, वैसे तो वहाँ पे मिल जाएगी लेकिन अपने रूम में बैठ के अलग से पीने का एक अलग ही होता है। साथ में एक हमने मसाजर मशीन रख लिया अगर टांगों वगैरह में पेन होगी तो, इसीलिए ये सारा कुछ रेडी कर लिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सारे काम किए हैं, अब जाकर नीचे, अब मुझे लगता है अदनान भी आगे होंगे, तो अगर नहीं भी आएंगे होंगे तो उनके आने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आज दिल कर रहा है कि कुछ डिफरेंट बनाओ, टोटीला रैप कह रहे थे तो वो बनाऊंगी मैं शाम में। वैसे मसर चावल थे दोपहर के लिए, जिसने खाना खाना होगा वो खा लेगा, शाम में मैं वो बनाऊंगी, शाम तो होगी या सुबह से, इतने सारे मैंने काम किए हैं। और अब जाके मैं वो रेडी करती हूँ और फिर वो खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजम प्रेस करें कि हर आने वाली वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए और आप लोग साथ साथ मेरे जुड़े रहें। चले जी नीचे जाती हूँ अब मैं। अस्सलाम वालेकुम, नीचे ही आ रही थी बस इनको फाइनल क्या हो गया सारा सामान पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज इसको खोलिएगा नहीं, सारा कर दिए तुमने? ये मैंने पूरा लगेज एक साइड सारे आपके प्रेस करवा के मैंने सारे रखे हैं, ठीक है, अब इसको आपने खोलना नहीं है। बता मुझे लग 40 ही लाओ है ना हमें? हाँ 40 है ना, तो मेरे ख्याल से ये 40 नहीं अभी ऑन है लेकिन पूरा है, एक साइड पे आपके सारे हैं प्रेस करके और एक साइड पे मेरे हैं सारे, भी खराब नहीं करने, आप ना उधर मचा देते हो प्लीज, ठीक है। ये भी आप मतलब इसमें इहराम और आपका ये है, इसको भी मैं बंद कर रही हूँ, इस तरह ना मुझे डर रहा था बीच में कोई कीड़ा या कोई चीज़ ही ना चली जाए। अब प्लीज इनको ओपन नहीं करना, ये हमारी फाइनल फाइनल पैकिंग है, ठीक है। कोई एक आधी आपको चीज़ याद आ गई ना तो फिर वो रख लेना आप, मैंने ना ये क्वालिटी इसमें रख ली है, ये वाली लगेज में रख ली है, ठीक है।
बस अब मैं नीचे जा रही थी, खाना खा लिया आपने नीचे? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मैं रख कर आई थी, मैंने कहा था शाम में बनाऊंगी वो, और अभी आप मुझसे चावल खा लिया। हाँ, रोटी ला कर मैं रेडी कर रही थी सारा कुछ। जी, मैंने कहा पता नहीं ऊपर क्या कर रही, मम्मा ने कहा कि ऊपर जाओ, वो आज कपड़े भी धो रही थी, आज मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है, आजो फिर, आजो। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हो गया रेडी? कहाँ तक पहुँचे हो? बस बन रहा है यार, जल्दी कर लो, बहुत भूख लग रही है, क्योंकि शाम को मसर चावल खाए थे। अब जरा दिल, जो तुमने सुबह का प्लान किया, मजा आ रहा है देख के। देख के मजा आ रहा है, मैं बना रही, मुझसे पूछो। नहीं नहीं जल्दी कर दो बस। अच्छा एक काम आप कर दोगे ना, मैं बनाई जाती हूँ गरम गरम, तो ना रैप करके देती हूँ, आप मामा पापा को पकड़ा दो, मेरे से ना बार बार अंदर बाहर नहीं हो जा रहा। बस तुम रेडी करो, मैं पकड़ा मैं देता, ना बहुत थक गई हूँ, आप देख के ही आए, मैंने आज कितना काम किया, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही है। नहीं नहीं तुम करो, कोई मैं रेडी कर रही हूँ, ये एक मामा को पापा को दो, और फिर जो सेकेंड वाला मम्मा को दो। ठीक है, तुम लाओ ना, पकड़ाओ जल्दी से, ये करो पैक, और उसके बाद आपकी बारी आएगी। ठीक है, और लास्ट में मैं फिर अपना लेके बैठ जाऊंगी। ठीक है, और प्लीज़ आज मुझे मत कहना कि चाय लेट, मैं साथ ही बना दूंगी, क्योंकि मैंने जाके फ़ौरन लेट ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में यार। चलो ठीक है, मैं तुम चाय बना के ऊपर ले आना, मैं खा के ऊपर जा रहा हूँ। अगर तो आपकी, हाँ आपकी मर्जी होगी, अगर आपने बाद में ओवन में गर्म करके पीनी होगी या फ़ौरन जैसे मर्जी, चाय ऊपर रूम ही ले आओ। हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, ये आप पकड़ो और पापा वगैरह को दो, ला दो। One hour later. हाँ भाई मिठू। मिठू है ये? क्या नाम? कुछ भी, कुछ भी। क्या नाम रखना है इसका? लो जी, आज एक गली मले में एक छोटा सा टोमी आ गया, फिरता हुआ। नीचे क्लोज करें। टोमी से इधर ही है, हमारी गली में ही है। बेचारे को सर्दी लग रही, क्या है? अब देखिए खेल रहा है। अब वो खेल रहा है। चल आ जा। अब मोमिन इसको कहीं दूर छोड़ा, मोमिन इसको ना दूर डाल देना साथ। सर इधर उधर ही आ जाए। हां चल झूठा, चल आ जा ना शेरू, आ जा चले। लोजी इसको छोड़ गया होगा दूर, क्योंकि ना इसने अब बाहर यहीं पर रहना शुरू कर देना फिर। ये भूख लगी थी आपकी। लोजी मदिया को अब सरप्राइज देंगे, ऊपर आई ये भी चाय लेके, कि आज मैंने हीटर चलाया हुआ पहले से, क्योंकि बेचारी कल ट्राई कर रही थी और हीटर नहीं है, लेकिन आज हीटर हमारा चल रहा है, तो देखते हैं अभी आती है तो उसको सरप्राइज देता हूँ। हेलो, सरप्राइज, आज हीटर चल रहा है। लेकिन एक बात है, वैसे आज टाइम पौने बारह हो गए वैसे। हाँ ये कहने लगे थे दुनिया का बेस्ट। अच्छा मैं लेकिन ना मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है ये थोड़ी बात सुनो, जिस तरह ये गैस आ रही ना, ये मेरा ख्याल है हार्डली को 10 से 15 मिनट का है। कमरा तो हमारा गर्म हो जाएगा ना यार, कमरा गर्म हो जाएगा, इससे बेहतर और क्या है। आज मैंने इतना काम किया है, मेरे लग रहा है मेरे जोर जोर में दर्द है, मुझे बुखार ना हो जाए। क्या किया आपको दिखाती हूँ अभी मैंने क्या किया, आप आए जरा, मैं आपको सारा चेक कर। अच्छा अभी मैं चाय पी लूँ, चाय ठंडी हो रही है, बाद में फिर चेक कर लेना। अच्छा ये मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। ठीक है ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, बैठ के करती हूँ ब्लॉग को एंड। आप लोगों को मेरे, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजम प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी आने वाली हर वीडियो को देखते रहें, साथ साथ अच्छे अच्छे प्यार प्यार कमेंट्स करते रहें, मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आगे ट्रैवल पे भी इसी तरह साथ। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे लाहौर के, लाहौर में रहने वाले सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत सर्दी है, मैं कह रही हूँ रिकॉर्ड टूट गया है, और रिकॉर्ड टूट गया, मजा भी आ रहा है सर्दी को एंजॉय करने का। अच्छा, और मुझे तो लग रहा है 8-9 साल पहले ऐसे सर्दी होती थी जब हम कॉलेज वगैरह जाते थे ना। अच्छा तक नहीं, 12-13 साल पहले, सॉरी 8-9 साल पहले नहीं, 12-13 साल पहले की बात है। बस अब जाना है तो जल्दी जल्दी तैयारियाँ हो रही हैं, ऐसी सर्दी होती है तो सर्दी का शिद्दत है, और मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या, मुझे लगता है मुझे बुखार होती है। दुआ करना कि मैं बीमार ना हूँ, बस अब मैं बीमार ना हूँ, जाने का टाइम नज़दीक आ गया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, कल का व्लॉग बहुत ही मज़े का आने वाला है, और कल के व्लॉग में बताऊँगी मैं क्यों बताऊँ अभी क्या है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।